मैं अनिल कुमार दीक्षित अपने वीडियो चैनल दीक्षित जी स्पीक के साथ एक बार पुनः अपनी भक्त श्रृंखला का 34वां भाग लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज है तारीख 12 अगस्त और 2021 और दिन है गुरुवार। आज के कार्यक्रम में मैं अपने सभी श्रोताओं और दर्शकों का स्वागत करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आप सभी से एक निवेदन है कि श्रीमद् भागवत गीता के इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भक्ति श्रृंखला हम लोग प्रसारित कर रहे हैं, जिसके कि 33 भाग अभी तक हम प्रसारित कर चुके हैं और आज ये 34वां भाग है। इसके 33वें भाग में हमने ये देखा था कि और सुना था कि कश्यप जी के दो पुत्र हुए जो कि महाबली हुए, और आज की कथा में हम जो वो दो पुत्र हुए थे जिनका कि एक का नाम हिरण्याक्षप था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था, उनकी वाराह भगवान वाराह के साथ युद्ध की कथा को सुनेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले सुना था कि इनका जो बड़ा भाई था हिरण्याकश्यप जिसका नाम था, वह पाताल लोक में चला गया और वरुण जी के पास गया। तो वरुण जी ने कहा उनसे कि देखिए, हम लोग तो जो है आपके साथ लड़ने के लिए सक्षम नहीं है, मैं तो लड़ना वड़ना पसंद नहीं करता हूँ, एक कोई पुराण पुरुष हैं और उन्हीं के द्वारा उनसे आप लड़ाई लड़िए। यहाँ तक बात सुनी थी, लेकिन उस वो जो हिरण्याकश्यप था वो इतना ज़्यादा मदमस्त था कि बाद में वरुण जी ने जो ये बात कही कि तू उन्हीं के द्वारा माना जाएगा, उसके वो बात उसके दिमाग में ही नहीं लगी, उसने उसको सुना ही नहीं और वह जो था लड़ाई ढूंढने के लिए उनको ढूंढने के लिए पुराण पुरुष को ढूंढने के लिए चला गया। वो नारद जी के पास गया और नारद जी से उसने पूछा कि भाई ये पुराण पुरुष कौन है, तो उन्होंने कहा वो तो साक्षात भगवान है, विष्णु हैं। तो बोले वो कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने बता दिया कि साहब वो तो कहीं पर होंगे, या तो वो ऊपर वैकुंठ में होंगे या फिर पाताल में कहीं पर होंगे। तो पता चला उन्होंने कहा कि इस समय वो पाताल में है, तो ये पाताल में पहुंच गया। जैसा कि हम लोगों ने जब हम 12 अवतार का वर्णन कर रहे थे उस समय हमने वहाँ पर कहा था कि वाराह ने अपने गदा के एक ही प्रहार से हिरण्याकश्यप को हरा दिया, यहाँ तक की बात हुई थी। अब जब ये नीचे पहुँचा तो इसने देखा कि समुद्र के अंदर एक विशालकाय शूकर, जिसको कि सुअर कहते हैं हम लोग आर्य भाषा में, वो अपने दाढ़ के निकले की तरफ निकले हुए दोनों बड़े बड़े दांतों के ऊपर बहुत बड़ी पृथ्वी को लिए हुए पानी में तैरता हुआ ऊपर की तरफ चला जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे हे जंगली जानवर, अरे ये तो जंगली जानवर है, तू ये धरती माता को ले धरती को लेकर के कहाँ जा रहा है, ये धरती तो यहाँ पे भेजी गई है पाताल लोक में हम लोगों के लिए कि हम लोग इसके ऊपर रहेंगे, और तुम इसको कहाँ ले जा रहे हो, तुमको लगता है पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, अब तू मेरे हाथ से मारा जाएगा। और इस तरह के कटु वचन उसने भगवान को कहे, लेकिन चूंकि भगवान के हाथ के दांतों के ऊपर पृथ्वी थी और पृथ्वी उस राक्षस के कटु वचनों से बहुत डर गई थी और थर थर कांप रही थी, इसलिए भगवान ने उसकी बातों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वो पानी से ऊपर की तरफ आते ही रहे। वो ऊपर तक आ गए और ऊपर तक आने के बाद उन्होंने वो उनका पीछा करने लगा कि अब तुम जो है भागे जा रहे हो मुझसे, भागना वीर पुरुषों का काम नहीं है, आओ अब मैं तुमसे लड़ूंगा। लेकिन भगवान ने उसकी बात बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, वो जाते गए और जब वो उन्होंने पृथ्वी को अपनी असली जगह पर जा कर के स्थापित कर दिया तो उसके बाद से कहा कि अब मैं तुमसे लड़ने के तैयार हूँ, अब आओ मैं तुम्हारे साथ अब मैं युद्ध करूँगा। अब जो है जो उनसे बल्कि उसने चैलेंज किया कि जो जब जो बहुत सारे प्राणी हैं वो तुम्हारे लिए बहुत पूजा करते हैं, तुम्हारी ये नर जाति जो है और वो तुम माया फैलाए रहते हो अपनी, अब मैं तुम्हारा आज वध कर डालूंगा। तो अब जब भगवान ने उसको वहाँ स्थापित कर दिया तो वो जो शुकर रूप था उसमें ही वो बोले करे तुझमें हिम्मत कहाँ मुझसे लड़ने की, पैदल वीरों का तू तो सरदार है, अब देर ना कर, अब अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर जो तूने लिया है। इस पर राक्षस और क्रोधित उठा और उसने भगवान के ऊपर अपने गदे से जोर से प्रहार किया, जिसको कि भगवान ने उसको रोक लिया। अब लेकिन ये युद्ध जो था बराबर चलता रहा, दोनों लोग जो थे
अपने लहू लोहान हो रहे थे, उनके लहू से उनको पता भी चल रहा था, और जैसे ही उनके शरीर से जितना ज़्यादा लहू बह रहा था उतना ही ज़्यादा वो लोग और भी उन्मुक्तता के साथ आपस में लड़ रहे थे। भयंकर लड़ाई हो रही थी, पृथ्वी हिल रही थी, आकाश हिल रहा था, पूरा समुद्र हिल रहा था। अच्छा, जब ये सब शोरगुल सुना तो जितने भी देवता थे, ऋषि मुनि थे, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी वहाँ पर पहुँच गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे पुरुषोत्तम, इसको मुझसे वरदान मिला हुआ है और जिस कारण ये इतना शक्तिशाली हो गया है और ये सभी को सताता है, इसलिए अपने इस माया रूपी रूप को, माया रूपी रूप को त्याग दीजिए और अपनी योग माया के द्वारा इसका संहार कीजिए। और क्यों? क्योंकि अब शाम होने वाली है और जो सांध्य की बेला होती है वो राक्षसों को और बल देने वाली और उनके लिए बहुत शुभ होती है। अगर उस समय तक आपने इसका संहार नहीं किया तो ये और भी ज़्यादा बलशाली हो जाएगा। तो आप अपने अब असली रूप में आ जाइए और इसका अंत कीजिए। तो यहाँ तक की कथा हम आपको आज सुनाते हैं, इसके बाद की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, क्योंकि अब ये वीडियो थोड़ा लंबा होता जा रहा है और हम लंबे वीडियो नहीं बनाना चाह रहे हैं। और इसके आगे की कथा जो हम अपने, आज ये 34वां है, हम 35वें भाग में बताएंगे कि उसमें भगवान इसका वध करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, कैसे करेंगे। और इसके बाद जो है, जो भागवत कथा का जो 19वां अध्याय होगा उसमें ये सब वर्णन आएगा। और इस वीडियो के विषय में आपकी क्या राय है अवश्य प्रेषित कीजिएगा। वीडियो को अधिक से अधिक प्रचार देने का प्रयास कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, और अब अनिल दीक्षित को इजाज़त दीजिए। आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, पड़ोसियों का ख्याल रखिएगा, और कोरोना से सब लोग सुरक्षित रहें। भगवान का एक बार नाम ले लेते हैं, हरिओम सत सत, हरिओम तत् सत, हरिओम तत् सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।